छतरपुर में पुलिस पर हुए पथराव कांड के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आज पांच दलों के नेताओं ने आरोपी हाजी शहजाद के परिजनों से मुलाकात की है। इस दल में कांग्रेस से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, सीपीएम के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित कई नेता मौजूद थे। नेताओं द्वारा हाजी शहजाद अली के जमींदोज हुए मकान का मौका मुआयना किया और उस जगह पर हाजी शहजाद के परिजनों से मुलाकात की जहां हाजी अपनी अदालत चलाता था। इस दौरान प्रशासन की इस कार्यवाही को हाजी के परिजनों ने गलत करार देते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहीं हाजी की बेटी ने कहा कि सर्वे पार्टी के पांच दलों के नेताओं ने उनके परिवार से मिलकर उन्हें हिम्मत दिलाई है। वहीं यह दल जेल में बंद पथराव कांड के आरोपियों से मिलने जेल भी गया था। सुप्रीम कोर्ट तक जाओ और मैं ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक से संज्ञान लेकर के इस प्रकार कार्रवाई करे। आज देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश में मिली जुली संस्कृति का 1000 साल का इतिहास है। अयोध्या का पंडित 1857 में और बाबरी मस्जिद का मौलाना, दोनों मिलकर के साथ लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ और फांसी के फंदे को उनने चूमा है, लोगों को मालूम नहीं है। और इस बुंदेलखंड की धरती में महाराज छत्रसाल का प्रणामी धर्म इसका प्रतीक है। शिवाजी का अंगरक्षक कौन था? मुसलमान। हाकिम सूर कौन था जो महाराणा तरफ से लड़ने जाता था? गुलाम गौस का कौन था जो रानी लक्ष्मी बाई की तरफ से लड़ने जाता था? और लक्ष्मी बाई की लाश को जलवाने के लिए अली बहादुर, बाजीराव का और मस्तानी का लड़का, महोबा का नवाब, वो कौन था? मुसलमान। ये मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, इंसान है यहाँ, ये बनाया जा रहा है। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है क्या उनके साथ भी सहानुभूति है आप लोगों की? जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूँ कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार और दूध का दूध पानी करे और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूँ आपके माध्यम से कि मांडी मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें ना करें कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम और जय कृष्ण कहना होगा। अरे रस खान कौन था? रहीम कौन था? चित्रकूट में आ बसे रहीम अनबद नरेश, जा पे विपदा परत है आ भई इस देश, रहीम ने लिखा, जायसी ने लिखा, रस खान ने लिखा। कितने लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति की जो मुसलमान थे? इसको बना के रखें माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश ना हमारा है ना तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो, ये 3 राज्यों का जो चुनाव होना है उसके लिए खेल हो रहा है, उसमें गरीबों निरीहों को मत मारो। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आप इस आवाज़ को सही माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ। जी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और हम लोग सभी दल के जो लोग इधर मिल के आए हैं भाई, पत्थरबाजी जो हुई है, जो आप लोग कह रहे हैं पत्थर चलाना, पत्थरबाजी जो हुई है हम लोग सभी पार्टी कोई भी इंसान होगा वो कहेगा गलत है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने उनमें बचाया, जैसे हाजी जी ने अपने वीडियो में बोला था कि हम वहाँ पे गए एडिशनल एसपी या कलेक्टर किसने बुलाया, हमने उनको पार्टी के लोगों को समझाया और अपने जो आदमी, अब वो नहीं माने किसी, इतनी भीड़ में कोई किसी की बात नहीं मानता, उसके बावजूद उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर केस होता है वो हम मानते हैं, उसके बाद घर तोड़ना ये कहाँ जायज है? किसी का भी घर गिराना, अगर किसी का बच्चा एक नालायक निकल जाए तो पूरे घर को सजा नहीं होती, तो अगर वो सजा होने थी वो हाजी साहब को होने थी या और किसी को होने थी, उनके घर के ऊपर ये बुलडोजर नहीं चलने था, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी इन और कांग्रेस और जो भी पार्टियाँ हैं, सीपीआई और क्रांतिकारी पार्टी, जितनी भी सभी पार्टियों देश की जितनी भी पार्टी हैं, वो यही चाहती हैं कि भारत देश में कहीं भी जो बुलडोजर की प्रथा है, एक मुस्लिम और उससे नहीं है, किसी भी समाज पे या गरीब पे बुलडोजर चलता है ये बिना न्यायालय की अनुमति के या बिना न्यायालय के नहीं चलना चाहिए, और एकदम से 24 घंटे के अंदर ये होना, ये भी न्याय के हित में नहीं आता है। आपने ये भी देखा कि इससे पहले भी कई बार बुलडोजर चलाया गया, मुस्लिमों के हिंदुओं के मकान तोड़े गए, लेकिन आज तक आपकी सरकार क्यों नहीं जाती? आप ही क्यों आप जाते हैं कि बुलडोजर चल गया है? इससे पहले भी जहाँ चले हैं तो वहाँ पे सरकार ने हम बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। नहीं, एक समाज नहीं, हम सब समाज के साथ है। समाजवादी पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक सबके साथ है। समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की नहीं है। समाजवादी क्या कहा गया आप लोगों को, किस तरीके का आश्वासन दिया गया हमारी मदद करने का और न्यायालय से
सबसे मदद करने का हम लोगों का बातचीत हुई है। जो पीएम आए थे उन लोगों ने क्या कहा है आप लोगों? उन लोगों ने हम लोगों को सब हौसला दिया कि आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग भी यही चाहते हैं सरकार से और कानून से कि वो हम लोगों के साथ न्याय करे और जिसने जो गलती करी है आप उनको सजा दें। हम उनके हर चीज में साथ खड़े हैं, हर फैसले पे उनके साथ। थाने में जो पथराव हुआ है उसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा, किसके कहने से ज्ञापन देने गए थे सभी लोग? सदर जावेद अली। आपके पिता कौन है? हाजी शहजाद अली। उनकी जो बिल्डिंग गिरी है उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है इसको लेकर सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये चीज़ गलत है, जिसने मतलब जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। आपके पिताजी नहीं लेके गए थे हुजूर? अकेले गए थे? नहीं, सदर जावेद अली लेके गए थे। अच्छा, जो आपके यहाँ की बिल्डिंग गिरी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगी याचिका, कुछ ऐसा करेंगी? वो बड़ों को पता है, अभी हम लोगों से ये चीजें डिस्कस नहीं करता कोई। क्या नाम है आपका? फातिमा खातून।